हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गायज आज के इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं होने वाली है ये होने वाला है एक एहसास सो बिकॉज़ आज हम जिनकी फीलिंग्स की बात करने वाले हैं उन्होंने हमें स्वयं इस दुनिया में जन्म दिया है यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमें सिखाते हैं हमें बताते हैं और Uh, जरूरत आए तो हमारे टेस्ट भी लेते हैं डेफिनेटली मैं बात कर रही हूँ परमात्मा की परम पिताजी की ईश्वर की अल्लाह की जीसस की बाबा जी की या जो भी आप उन्हें नाम दे दें वो सारे के सारे तत्व एक ही हैं आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो ब्रह्मांड जिन्होंने रचाया है यूनिवर्स जिन्होंने रचाया है हमारे डिवाइन एक्सपरिट गाइड्स एंजल्स जिनके अधीन है यानी कि वो ईश्वरीय शक्ति वो परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचते हैं हाँ, हम हमें जानने इच्छुक होते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहते होंगे लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि, कि स्वयं परमात्मा जिनका हम अंश है वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं आइए जानते हैं आज की इस खूबसूरत रीडिंग के साथ में सो so बेसिकली अगर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं अगर आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या बहुत एक पॉजिटिव रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन है और आप कई बार क्या होता है ना कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तो हम भगवान से चिड़ जाते हैं और हम अरे भगवान जी आपने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ सो so, अगर आप लोगों का को कोई सवाल है परमात्मा से तो वो भी आप आज इस रीडिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं आपको डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर मिलेगी क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव वीडियो होने वाला है बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए आप ये भी पूछ सकते हैं आप शिकायतें भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे साथ क्यों आप क्या सोचते हो मेरे बारे में ठीक है तो आइए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को इस रीडिंग का टॉपिक है कि स्वयं परमात्मा आपके बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ पे जो पायल सिलेक्शन है वो इजी नहीं होने वाला है क्योंकि आपको अपने इंट्यूशंस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि मुझे पता है कि आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 स्पेशल है तो आपने क्या करना है माई ब्यूटिफुल पीपल आपने पिक करना है अपने साइकिक एबिलिटीज के थ्रू आपने अपने साइकिक एबिलिटीज के थ्रू पिक करना है कौन सा कार्ड कौन सा पाइल आप लोगों ने चुनना है आप लोगों के सामने मैंने दो यहाँ पर कार्ड्स या मैं कहूँ कि दो मैंने यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए हैं आपने क्या करना है उन या तो इन स्टोन्स में से किसी को पिक करना है या एक या दो में से किसी को पिक करना है या फिर इस कार्ड और इस कार्ड में से किसी को पिक करना है थोड़ा सा मैं इस कार्ड को समझाऊंगी आप लोगों को इस पायल सेलेक्शन के दौरान तो आप लोग शायद समझ सकें कि ये पाइल आपने पिक करनी है थोड़ी सी मैं हेल्प आप लोगों की ज़रूर करूंगी सो मैं ब्यूटिफुल पीपल पायल नंबर वन की पहले बात करें तो ये है द ब्यूटिफुल एमेथिस्ट का स्टोन ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एमेथिस्ट का स्टोन है एक्चुअली uh, मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना क्लियरली दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एमेथिस्ट का स्टोन और एमेथिस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है टू क्लीन अप ऑल द नेगेटिव और ये आपको प्रोटेक्ट करता है ये आपको स्टिमुलेट करता है आपकी एनर्जीज़ को स्टोर करता है ये पर्टिकुलर आपका स्टोन ठीक है एंड अगर मैं यहाँ पे कार्ड की बात करूँ तो हमारे पास ब्यूटिफुल uh, सतत्व का कार्ड है सतत्व की एनर्जीज अगर आप लोगों का जो ध्यान है वो इस कार्ड की तरफ जा रहा है तो आई मस्ट से आप लोग रिलीजियस स्पिरिचुअल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है सच्चाई की तरफ ईमानदारी की तरफ आपको घूस देना किसी के साथ गलत एटीट्यूड uh, करना किसी को गलत तरीके का लुक देना किसी के साथ गलत तरीके से बिहेव करना ये सब चीजें नहीं पसंद होगी अगर आप लोगों को ये कार्ड बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ठीक है दिस इज द फर्स्ट पाइल पाइल नंबर वन सतत्व की एनर्जीज फिर आप लोगों के पास है यहाँ पे द ब्यूटिफुल सेकेंड स्टोन और ये स्टोन है जी आपका क्लियर uh कोट्स क्लियर कोट्स की एनर्जी और कार्ड है यहाँ पर द कर्मा तो आप लोग रिलीजियस स्पिरिचुअल होने के साथ साथ कर्मा बिलीवर भी हैं तो अगर आप लोग कर्मा बिलीवर है then definitely आप लोगों को पाइल नंबर टू को पिक करना चाहिए बाकी बातें हम लोग पाइल सेलेक्शन या पाइल के दौरान करेंगे जब हम लोग रीडिंग्स को करने वाले हैं सो so, जल्दी से आप लोग टाइम टाइम्स पे जा सकते हैं वहां पर जाके अपनी रीडिंग्स को इंजॉय कर सकते हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं एंड uh, शुरू करने से पहले मैं डेफिनेटली बोलूंगी अगर ये रीडिंग आपसे रेज हो और आपको बहुत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट बनिएगा हमारी खूबसूरत फैमिली का एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय और अपनी आ, अपना या फिर डिसएग्रीमेंट्स भी बता सकते हैं आई एम ओपन टू यू नो रिसीव एवरी एनर्जी वाई सो बिकॉज आई नो परमात्मा इज ऑलवेज विद मी राइट चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी पसंद आती है लो टू ऑल माई ब्यूटिफुल पायल नंबर वन पीपल आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम और स्वागत करती हूँ मैं आज की इस रीडिंग के अंदर आप लोगों ने पिक किया है पायल नंबर वन को यानी कि आप लोगों ने पिक किया है द ब्यूटिफुल एमथिस्ट को और ये खूबसूरत सा एमथिस्ट के क्या मतलब क्या गुण है किस तरीके से ये काम करता है वो सारी चीज़ें मैंने इंट्रो में बताने की कोशिश करी है आप लोग इसे जाके चेक इन कर सकते हैं एंड इस कार्ड को आप लोगों ने पिक किया है और ये कार्ड है सतत्व का अब मैं थोड़ा सा इस कार्ड को ना यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ बताने क्यों मेरा मन कर रहा है वैसे तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को इंट्रो में भी बताया था बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहती हूँ तो मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है वो है सच्चाई की नेकी की पावर की अगर आप लोग इस कार्ड को देख रहे हो बहुत गौर से तो आप लोग देखेंगे कि देयर इज़ सो मच लाइट लाइक वाइट और कितना ज़्यादा है ना अगर आप लोगों को पता हो दैट वाइट एंड ब्लैक वाइट एंड ब्लैक कलर एक ऐसे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं या कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ऑब्जर्व भी, भी करते हैं एब्जॉर्ब भी करते हैं ऑब्जर्व इन सेंस कि आसपास क्या चल रहा है कैसी एनर्जीज चल रही है ईच एंड एवरी एंड एब्जॉर्ब करते हैं सोख लेते हैं उनकी शक्तियों को उनकी एनर्जीज़ को ठीक है तो सफ़ेद की एनर्जी मुझे यहाँ पे दे रही है एनर्जी आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर वन को पिक किया है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कॉस्मोस पे बहुत बिलीव करते हैं कॉस्मोज इन सेंस कि जैसे जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं जो ऊर्जाएं हैं उनके ऊपर आप बहुत बिलीव करते हैं मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो पब्लिक साइट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगते हैं लाइक आपका और कुछ इस तरीके का है अब हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हों जो बोले कि नहीं मैं तो खूबसूरत नहीं हूं मैं तो सुंदर नहीं हूं तो मैं एक चीज बहुत ही क्लियरली है कि आप कैसे दिखते हैं आपका व्यक्तित्व कैसा है आपकी एनर्जीज कैसी हैं आपका स्वभाव कैसा है इट ऑलवेज अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ पीपल ये रियालिटी है सच्चाई है ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप कैसे दिखते हैं इसका कोई मीनिंग uh, नहीं होता है अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है तो मुझे यहाँ पे एक, उस पर्सनालिटी को बोला जाता है करिज्मेटिक पर्सनालिटी ठीक है तो वो करज वो करिज्मा जो है ना वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख दिख रहा है वो चांद मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉग करिज्मेटिक पर्सनैलिटी जो uh, पसंद करती है uh, सब लोगों के साथ घुल मिल जाना आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बहुत ईजिली फ्रेंड्स बना लेते हैं बहुत ईजीली आप uh, यू you नो know, लोगों के बीच छा जाते हैं आप लोगों के अंदर एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंस है ये जो भी मैं अभी आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये रीडिंग आपकी है ठीक है बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आई एम गेटिंग बाय दिस कार्ड जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ और ये अगर आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होता है तो ये आज की रीडिंग आप ही की है इस चीज़ को समझ जाइएगा सो so, सतत्व का कार्ड एक चीज़ और मुझे यहाँ पे फील करा रहा है और वो फीलिंग है एक स्ट्रॉन्ग साइकिक एनर्जीज पाइल नंबर वन पीपल आप लोग अट्रैक्टिव करिज्मेटिक कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही साइकिक है साइकिक लोग कैसे होते हैं साइकिक लोग ऐसे होते हैं जो आ, चल रहे हैं किसी रस्ते से और अचानक से कोई थॉट आया उन्हें और वो वहाँ रुक गए उन्हें ऐसा लगा यहाँ से मुझे आगे नहीं जाना चाहिए और आ, हो सकता है यहाँ ट्रैफिक मिले या यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए मेरे साथ या कुछ भी नेगेटिव जो मुझे यहाँ जाने से रोक रहा है और आप अपना रास्ता बदल लेते हैं और रास्ता बदलने के बाद जब आपको कल न्यूज़पेपर में या कहीं पर आपको पता लगता है कि अरे वहाँ तो इतना ट्रैफिक था कि मैं तो इतनी देर तक वहाँ पर फंस जाती या मैं मेरे साथ तो ऐसा हो सकता था वहाँ पर कुछ गलत कोई अनहोनी या कुछ बहुत ही नेगेटिव तो आपको अंतर मन से आवाज़ आती है कि अरे यार ये क्या हुआ मेरे साथ मतलब मुझे कैसे पता लगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना है ठीक है सो बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा आपका अंतर्मन आपको बता देता है आपके जो इनर इनर जो एनर्जीज़ है ना वो आपको बता देती है कि ये सही नहीं है या ये सही है इसे सपोर्ट करें इसे सपोर्ट ना करें आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा पायल नंबर वन पीपल कि आप किसी भीड़ में बैठे हैं और भीड़ का अधिकांश हिस्सा Uh, किसी एक विकल्प की तरफ किसी एक ऑप्शन की तरफ ज़्यादा इंक्लूडेड है और आप अकेले या कुछ चुनिंदा लोगों के साथ किसी एक विकल्प के ऊपर खड़े हैं एंड अंत में जीत आपकी होती है एंड hmm, में जीत आपकी होती है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हिट करी बाय सीइंग दिस कार्ड अगर आप लोग इस कार्ड को देखें सो वी हैव अ ब्यूटीफुल आई ओवर देयर तो इस आंख का जो एनर्जेटिक uh, अलाइनमेंट है वो यही है कि आप एक साइकिक इंसान है जो कर्मा पे uh, प्यार पे रिलीजियस होने पे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है देर आर लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल पीपल हु हेट बिंग रिलीजियस ये एक बहुत ही कड़वी बट सच्ची बात बता रही हूँ बहुत सारे ऐसे स्परिचुअल uh, लोग होते हैं कर्मा बिलीवर्स होते हैं जो रिलीजियस होना पसंद नहीं करते हैं देर इज़ अ डिफरेंस इट बिटवीन रिलीजियस होना एंड स्परिचुअल होना स्परिचुअल होना ह्यूमैनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है आई एम ऑल्सो अ वेरी स्ट्रांग स्परिचुअल पर्सन लेकिन आई एम ऑल्सो अ रिलीजियस पर्सन मुझे मूर्ति पूजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कहीं सर झुकाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे किसी आकृति के अंदर भगवान को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ पर आ, मुझे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस हैं या सिर्फ और सिर्फ स्परिचुअल है एक स्ट्रॉन्ग मतभेद वाली एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ देखिए सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बता रही हूँ तो लेकिन कुछ नेगेटिव आ रहा है तो वो भी तो बताऊँगी बींग अ रीडर मेरा ये दायित्व बनता है कि जो भी आ रहा है वो आप लोगों को बताना सो so, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की सही नहीं लगती है आपको पानी की तरह होना चाहिए शहद की तरह मीठा नहीं कि कोई भी आपको तुरंत से इस्तेमाल कर ले खा जाए और क, नीम की तरह कड़वा भी नहीं कि कोई तुरंत से आपको मतलब थूक दे ठीक है ऐसा होता है ना लोगों की टॉलरेंस पावर नहीं होती है कि वो नीम को खा लें या उसको पी लें तो आपको किसी एक मत पर नहीं रहना यू जस्ट नीड टू बी स्टिल लाइक अ वाटर आपको पानी की तरह होना बहुत ज़रूरी है ये आ, ये जो डायलॉग है ना पानी की तरह रहो ये मुझे मेरी मम्मा ने बहुत बार सिखाया है एंड पता नहीं क्यों अभी इस कार्ड को देख के मुझे ये चीज़ फील हुई कि ना अमृत बनो ना जहर बनो बनो तो सिर्फ़ और सिर्फ नीर क्यों क्योंकि जो पानी होता है वो हर चीज़ में घुल मिल जाता है और फिर भी अपनी जो ऑथेंटिसिटी है अपनी जो सिंपलिसिटी है अपनी जो डिग्निटी है उसे मेंटेन रखता है राइट right? सो so, ये सारी अनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हुई फॉर द पायल नंबर वन पीपल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कार्ड को देख के जो मेरे मन में आ रही हैं बताने की आप लोगों को लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के साथ इनजस्टिस हो जाएगा क्योंकि अभी मुझे आप लोगों के लिए कार्ड्स देखने हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई थिंक इतना लंबा कोई पता नहीं सुनेगा या नहीं सो so, मैंने इसको यहाँ रख दिया है सतत्व का कार्ड यानी कि हम पायल नंबर वन की एनर्जीज को चेक इन कर रहे हैं और आज हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ईश्वरीय शक्ति या परमात्मा या जिनमें आपका बिलीव है जिनमें आपका बिलीव पैटर्न है सिस्टम है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं चलिए कार्ड्स निकालते हैं so, सो आज मैं कार्ड्स निकाल रही हूं बहुत ही खूबसूरत डेक्स के साथ एंड अगर आप लोगों के पास भी मेरे पास कोई आ, मुझे देने के लिए कोई आ, क्या बोलते हैं उसे फीडबैक है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मुझे रीडिंग्स के अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है या मुझे रीडिंग्स के अंदर और क्या डिफरेंट करने की ज़रूरत है या पाइल सेलेक्शंस में मुझे क्या करने की ज़रूरत है गिव योर सजेशन्स वेरी फ्रीली मुझे किसी चीज़ का किसी बात का बुरा नहीं लगता है आप लोग बस बताइएगा बिकॉज आई एम जस्ट सर्विंग यू ऑल मेरा ये काम है राइट right? तो ज़रूर बताएँ आइए कनेक्ट करते हैं विद द सोर्स ऑफ एनर्जी हे परम पिताजी परम पिताजी निराकार ईश्वर हे सर शक्तिमान परमात्मा फाइल नंबर वन पीपल जिन्होंने सतत्व को पिक किया है सतत्व सतत्वा जिन्होंने ब्लू एमेथिस्ट को पिक किया है हे परम पिताजी हे निराकारेश्वर हे सर्वशक्तिमान परमात्मा आप क्या सोचते हैं उनके बारे में दिस कार्ड वी नीड टू टेक मुझे बताएं थैंक यू Five of Wands, the Six of Wands, the Ten of Wands, okay, or Ace of Swords. Then we have the Knight of Wands, or हमारे पास आई है आखिर but टोटल आखिर नहीं हम और कार्ड्स निकालेंगे टू ऑफ Swords. आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं पाइल नंबर वन पीपल परम पिता जी बताएं फाइल नंबर वन के लिए जिन्होंने फाइल नंबर वन को पिक किया क्या, क्या सोचते हैं उनके बारे में सौरो द मिजार आउटसाइडर ऑर्डन बॉटम ऑफ द डेक मेच्योरिटी अब अगर जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मीठा सुनने की आदत है जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग्स देखने की आदत है वो इस रीडिंग को देखें वो इस रीडिंग को ना देखें <laughs> ना देखें क्योंकि कुछ कड़वी बातें भी हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है क्योंकि जो आया है वो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बताऊं पिछले कुछ वीडियोस में ना मैं एक चीज़ मिस कर रही थी और वो ये था कि आप लोगों को कड़वी बातें बताना क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रीडिंग सुनकर ना बहुत नेगेटिव और डिमोटिवेट हो जाते हैं बट मेरे अंतर मन से आज मॉर्निंग उठते के साथ एक आवाज़ आई कि नहीं ये मेरा कर्तव्य नहीं है जो भी काज में आता है वो मुझे बताना है यही मेरे लिए सही होगा ओके okay, तो शुरू से शुरू करते हैं सबसे पहले हम हम आज मिक्स करेंगे लाइक like हम एक भी ऐसा नहीं करेंगे कि लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव नेगेटिव नो जो भी जैसे भी कार्ड्स की आए हैं ना लाइक सीक्वेंस उसी हिसाब से निकालेंगे बिकॉज ये टोटली गाइडेड रीडिंग है इसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जस्ट आई एम जस्ट अ चैनल एयर ओके तो पाए नंबर वन पीपल ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं फाइव ऑफ बॉन्स सबसे पहला कार्ड फाइव ऑफ बॉर्न्स उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे डरे हुए सहमे हुए से इंसान हो जिसके मन में करने की बहुत सारी क्षमता है मतलब एक ऐसा इंसान एक ऐसा ह्यूमन जिसके मन में करने की बहुत क्षमता है वो बहुत कुछ कर सकता है बहुत कुछ उखाड़ सकता है अपनी ज़िंदगी में बट वो कहीं ना कहीं अपने मन की बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी नेगेटिविटी में संभाव फंसा हुआ है उसका मन उसे जहाँ जाने के लिए बोलता है वो बिल्कुल वैसे के वैसे चला जाता है आपको पता है जहाँ मन हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है वहीं मन हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है भगवान जी की एनर्जीज आपको लेकर के है कि सम आपको अपने अंतर मन के घोड़ों को शांत करने की जरूरत है क्योंकि जब भी आप कुछ अपने मन से अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल आज अब से मैं सुबह चार बजे ही उठूँगी मुझे अपने लिए डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है मुझे इतने गिलास पानी पीना ही पीना है आज मुझे अपने आप को साफ सफाई के साथ ही रखना है अब से मैं कोई भी किसी भी तरीके का जब आप कोई रेजोल्यूशन लेते हैं तो आपका मन और आलस्य आपको रोक देता है सबसे पहला कार्ट यहाँ पर फाइव वॉन्स की एनर्जी मुझे नज़र आती है कि भगवान जी को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अंदर से टूटा हुआ है जो अपने अपने ही चीज़ों के अंदर लगा हुआ है जिसे अपनी ज़्यादा पड़ी हुई है दूसरे की कम पड़ी हुई है ये एनर्जी मुझे नज़र आती है यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर आप सैड होगे तो वो लोग भी सैड हो जाएंगे वो लोग अपनी हिम्मत हार जाएंगे हम्म लेकिन फिर भी आप उन लोगों के लिए खुश रहना पसंद नहीं कर रहे हो आप उनके लिए भी नेगेटिव हो जाते हो आप भड़बड़ाते रहते हो आप परेशान हो जाते हो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो भगवान जी को पहली चीज़ लगती है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अंदर से बहुत खोखले हैं बहुत बहुत हल्के हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत है आपको अपने मन की बातों को सुनना है लेकिन दिमाग भी थोड़ा सा यूज़ करना है कि देखो जो मेरे लिए सही है मुझे उसके लिए स्टेप लेना है आपको पता होता है आपके साथ ऐसा होता होगा पाई नंबर वन पीपल कि आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है लेकिन आप उस चीज़ की तरफ एक्शन ही नहीं ले पाते हो आपको पता होता है कि नहीं मैं आलस कर रही हूँ ये गलत है मेरे लिए फिर भी आप उधर की सर, तरफ ही जा रहे होते हो तो आपको इस चीज़ को थोड़े से शांत करने की ज़रूरत है इसको सही करने की ज़रूरत है सेकेंड कार्ड वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्स ईश्वर आपके बारे में एक चीज़ बहुत बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको विक्ट्री हासिल करना कोई मतलब छोटी आम बात नहीं है लाइक like, विक्ट्री हासिल करना इसके लिए बहुत 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 बड़ा पैशन है और ये उसको कर सकता है या कर सकती हैं लेकिन अगेन आत्मबल की इसके अंदर बहुत कमी है थर्ड मैसेज टेन ऑफ वान्स ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लेकिन ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड करके अपने बारे में नहीं सोचना चाहता है एज ऑफ सोज और कितनी मदद और कितनी आ, मदद करनी चाहिए मुझे इसकी ताकि ये अपने उस भाटन से बाहर आ सके और कितनी बार इंडिकेशन्स दूँ और कितनी बार चीज़ों को संभालूँ कि ये समझ सके इन सब चीज़ों को इतना पैशन है इतनी एनर्जी फॉर्म है इतना टैलेंट है लेकिन उस सब चीज़ों को इसने अपने आसपास के लोगों के लिए या तो ख़त्म कर दिया है या फिर ये सोच के ख़त्म करने में लगा हुआ है या लगी हुई है कि अब तो सब बकवास है अब तो सब खत्म हो चुका है समय गया नहीं है टू ऑफ सोच्स समय गया नहीं है ठीक है समय गया नहीं है समय अभी भी उतना ही है जितना होना चाहिए था हुँ? अभी भी आप अगर चाहे तो पलट के बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं तो जो ईश्वरी शक्ति हैं वो आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए बोल रही हैं इम्प्रूव आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है पायल नंबर वन पीपल मुझे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो बार 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 भगवान जी को कोसते हैं बार 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 भगवान जी को बोलते हैं कि भगवान आपने ये नहीं किया मेरे लिए भगवान आपने वो नहीं किया मेरे लिए बट आप मुझे ये बात बताइए मै ब्यूटिफुल पायल नंबर वन पीपल अगर आप ऐसा करते हैं आपने अपने लिए क्या क्या किया है दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू आई एम नॉट द वन हु इज आस्किंग यहाँ पर ईश्वरी शक्ति हैं जो आपसे पूछना चाहती हैं देर इज बिग क्वेश्चन मार्क कि आपने ऐसा क्या किया है अपने लिए क्या आप अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं पॉजिटिव मन की आवाज़ को क्या आप अपने लिए एफ़र्ट्स लेते हैं क्या आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं क्या आप अपनी बातों को मानते हैं क्या आप अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं क्या आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं बिल्कुल भी नहीं आप सिर्फ और सिर्फ या तो करेंगे किसी के लिए तो इतना कर देंगे कि सामने वाले को उस चीज़ की कीमत पता नहीं होगी और अगर नहीं करेंगे तो बस ओवर करते रहेंगे तो ईश्वरी शक्ति को लगता है कि आप एक बहुत ही खोखले इंसान है ये सब सोच और आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर बदलाव नहीं किया गया तो आगे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ सौरव देगा और मैं सच बताऊं तो इसकी ये जो आपकी एनर्जीज चल रही है ना इसका दुख जो है ईश्वर को ज़्यादा है भगवान जी को ज़्यादा इस चीज़ का दुख वी अ कार्ड नंबर नाइन द सौरव अगर आपने अपने आप को अभी भी नहीं बदलाना तो इस चीज़ का दुख आपको तो क्या होगा आपकी तो लाइफ है जस्ट एक लाइफ है ठीक है आपकी जस्ट एक लाइफ है आई एम टेलिंग यू दिस थिंग हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोले कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि आपकी तो सिर्फ एक जिंदगी है मैंने ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि पता नहीं आप कितनी ही मिलियन बिलियन लाइफ गुजार रहे हो यहाँ पे पता नहीं कितने हजारों लाखों लाइफें आपने गुजार दी हैं यहाँ पे ठीक है तो सौरों का कार्ड है यहाँ पे वी हैव अ वेरी स्ट्रोंग कार्ड सौरों कि आपका तो क्या है सिर्फ आपकी एक ज़िंदगी है लेकिन भगवान जी का क्या है उन्हें अगेन फिर से लंबी चौड़ी प्लानिंग लंबा चौड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपके सुधरने का यकीन मानिए सोरो देन नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर भगवान जी आपको ना बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ बहुत सारे लोगों की रियलिटी आपको बताते रहते हैं लेकिन आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते और आप अगेन एंड अगेन वही गलतियां करते हैं आपको आप खुद नहीं चलाते हैं बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं वो चलाते हैं ठीक है एंड द नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द ऑर्डिनरीनेस आप अपने आप को एकदम साधारण सा इंसान समझते हैं बट आप एक साधारण से इंसान नहीं है आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला सकता है लेकिन आप उस चीज़ के अंदर जाना ही पसंद नहीं कर रहे उफ बहुत गलत है ये बहुत गलत पता नहीं क्यों मुझे बहुत इमोशनल सा फील हो रहा है स्पेशली इस कार्ड को देख के सोरू पाइल नंबर वन पीपल ये एक आँख खोल देने वाली वीडियो है आप लोगों के लिए अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी आँख नहीं खुलती है ना तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ नहीं हो सकता फिर ये सच्चाई है आपको पता है आ, मेरी ज़िंदगी में ना मैं हमेशा लोगों के लिए बहुत कुछ करती रहती थी मतलब हमेशा लोगों के बारे में सुनना लोगों को क्या पसंद आ रहा है बस वो करना सबको खुश रखने के बारे में सोचती रहती थी एंड यू नो वाट एट लास्ट मुझे क्या मिलता था सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हम्म hmm. लेकिन जब मैंने अपनी इंपॉर्टेंस करनी शुरू करी ना जब मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया ओवर थिंकिंग करना बंद किया अपने आप को अच्छी अफॉर्मेशंस देने शुरू करी तब जाके मेरी लाइफ के अंदर मैं ऐसे डिसीजन ले पाई जो आज कारगर साबित हुए हैं मेरे लिए अदरवाइज अगर मैं उस वक्त वो उसी बहाव में बहती चली जाती ना तो मेरी ज़िंदगी चौपट हो चुकी थी अब तक कब की कब की लाइक like, कब की अगर आप लोगों को याद हो ट्वेंटी ट्वेंटी के आसपास का समय था आ, उस समय मेरी वीडियोज़ भी अपलोड नहीं होते थे और पता नहीं क्या क्या चल रहा था लाइफ के अंदर तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ताकि मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है यहाँ पे सो वी हैव अ कार्ड ऑफ एडवांसमेंट आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि एक स्ट्रांग एनर्जी इज प्रॉपरली यू फॉरवर्ड फॉलोइंग द फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट एक स्ट्रांग एनर्जी अगर आपने इस वीडियो को आज देखा है और सीखा है ना आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी स्ट्रिक्टली एक्चुअली क्योंकि आप लोग अभी इमोशंस की भावनाओं को नहीं समझने पाए नंबर वन पीपल पता नहीं क्यों तो आपको यहाँ पे बोला जा है बहुत निकली कि एक एनर्जी है जो आपको फ्लो करके सही तरफ लेके जाना चाहती है लेकिन आप अपने आप को झड़प झड़प के वहीं खड़ा रख रहे हैं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए आपका जो दिल बोले अंतर मन का अच्छा दिल उसकी आवाज़ को सुने यू आर नॉट अलोन अगर आप हमेशा भगवान जी को कहते रहते हैं मैं तो अकेला ही हूँ मैं तो अकेला ही हूँ मेरी जिंदगी में कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है यू आर नॉट अलोन यू आर गाइडेड बाय द मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाएस्ट रिलिम्स याद रखिएगा इस बात को एंड तीसरा मैसेज है यहाँ पे ईश्वर की तरफ से कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज प्लांटिंग कीजिए ग्राउंडिंग कीजिए कितनी बार मैंने समझाया ग्राउंडिंग के बारे में कौन कौन करता है ग्राउंडिंग के बारे में आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मैं करने वाली हूँ और उसके अंदर मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन और उस कमेंट के रिप्लाई में अगर आप लोग सच में इस वीडियो को समझ पाए हैं ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा उस कमेंट के रिप्लाई में मैं आप लोगों से कुछ फिक्स क्वेश्चंस करने वाली हूँ और आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मेरे को देने ही देने हैं ठीक है एंड इस वीडियो को आँ... लाइक like, ये जैसे ही वीडियो ऑन एयर आएगा उसके बाद आधे घंटे तक मैं कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहूँगी अगर आपका कोई कोई क्वेश्चन है कोई परेशानी है जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं पूछना चाहते हैं कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन प्लीज़ आज की इस वीडियो को ऐवे का ही कोई हाँ ठीक है बोल दिया चल दिया ऐसे मत समझना दिस इज़ समथिंग वेरी बिग आँख खोल देने वाली वीडियो है ये सो दिस इज़ ऑल आज की रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आई है आपके दिमाग में घुसी है देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड uh, कमेंट में मुझे बताइएगा और उस क्वेश्चन का आंसर करना ना भूलें लव यू ऑल आप सभी लोगों को एंड इंस्टाग्राम पे येस yes, मैं बताना भूल गई इंस्टाग्राम पर हम कमिंग लाइफ टूडे आठ uh, बजे आप जिस द, मुझे नहीं पता दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग uh, जिस तारीख को ये अपलोड हो रहा है वीडियो उसी दिन मैं रात को आठ बजे लाइव आ रही हूँ फॉर द टैरो सेशन फ्री टैरो सेशन एंड प्लस कोर्स की फीडबैक्स और कोर्स के बारे में आप लोगों को डिटेल्स देने के लिए तो आप लोग आ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा जल्दी मिलेंगे कॉर्नर रीडिंग में हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पायल नंबर टू पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल कर्मा का कार्ड आप लोगों ने पिक किया है खूबसूरत से क्लियर कोट्स को आप लोगों ने पिक किया है तो भाई आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है आज की रीडिंग का टॉपिक है ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं दिस विल बी आ खोलो वीडियो फॉर एवरी वन क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअली में बहुत स्पेशल है सो मैं ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल पीपल आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के बाहर आता है हम हमेशा सबकी फीलिंग्स और सबकी एनर्जीज जानना पसंद करते हैं लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को देख के कुछ मुझे ना फीलिंग आ रही है वो सारी चीज़ें आप लोगों से साझा करूंगी uh, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्लियर कोच को पिक किया है क्लियर कोच की एनर्जी यहाँ पर मुझे uh, एक एक स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट uh, दे रही है क्लैरिटी का आप एक ऐसे इंसान है जो प्रैक्टिकल है समझदार है नॉलेजेबल है उसके साथ साथ आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी में क्लियर रहना पसंद करते हैं आपको ना बेफिजूल का शो ऑफ करना नहीं पसंद पाइल नंबर टू पीपल आप लोगों को बेफिजूल की बड़ाइयाँ करना और uh, ओहो ये मैंने करके दिखाया ये मैंने मैंने किया ऐसा ऐसा करना आप लोगों को पसंद नहीं है आप हमेशा क्लैरिटी में रहना पसंद करते हैं आप एक क्लियर विजन में रहना पसंद करते हैं आप हमेशा ऐसे पसंद करते हैं कि मैं चीज़ों को समझदारी के साथ यू uh, नो you know, लेकर आऊँ मैं चीज़ों को समझदारी के साथ डील करूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ आप हमेशा इस फॉलो अप एनर्जी में रहना पसंद करते हैं दिस इज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल स्टोन एंड दिस ब्यूटिफुल कार्ड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि uh, आप एक ऐसे इंसान हैं जो साइकिक होते हुए भी अपने मन की आवाज़ को नहीं पहचान पाता है है ना और आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऑब्वियसली बात है कर्मा का कार्ड है यहाँ पे कर्मा के अंदर बिलीव करते हैं हो सकता है आप लोग एक ऐसे ही पर्सन है इसीलिए आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया बिकॉज़ यू गाइज़ आर वेरी कर्मा बिलीवर आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपको बहुत ही ज़्यादा ना इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रहता है कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है किसके मन में मेरे बारे में क्या बातें चल रही हैं और वो पर्टिकुलरली मुझे लेकर के कॉन्शियस है या नहीं है देखिए जहाँ पर मैं अच्छी बातें बोल रही हूँ वहाँ मैं बुरी बातें भी बोलूँगी वाई सो क्यों बोलूँगी क्योंकि काज में आया है अभी कुछ दिन पहले तक ना मैं ये गलतियाँ कर रही थी कि मैं क्या कर रही थी ना कि आ, क्योंकि लोगों को ना नेगेटिव सुनना पसंद नहीं है तो मैं क्या कर रही थी ना कि जो भी नेगेटिव आता था ना पॉजिटिव रीडिंग्स के चक्कर में मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रही थी लेकिन जब आज मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे मन में एक बहुत स्ट्रांग सी चीज़ आई कि प्रियंका यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद द वीडियोज़ क्योंकि जब अगर पर्सनल रीडिंग में जो भी चीज़ें आती हैं सही बुरी जैसे भी आती हैं वो मैं बताती हूँ तो वीडियोज़ में मुझे बताना ज़रूरी बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं तो क्यों ना उनको भी सच्चाई बताई जाए ठीक है तो अब जो भी नेगेटिव भी आएगा तो वो मैं बताने वाली हूँ आई एम ट्रूली लाइक प्रोमिसिंग यू गाइज ठीक है जो भी है अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे पहले मैं सब लोगों के लिए ऐसे ही रीडिंग करती थी कि अच्छा बुरा सब बताती थी लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्हें अपने बारे में बुरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो कमेंट में पता नहीं क्या क्या नहीं लिख के भेजते थे आपकी रीडिंग तो हमेशा नेगेटिव होती है आप लोगों के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हो और अब फलाना ढमकाना तो मैंने नेगेटिव बोलना बंद किया ये सोच के कि कोई कार्ड नेगेटिव आ भी रहा है तो चल कोई नहीं छोड़ते हैं। बट अब नहीं ऐसा नहीं अगर आप लोगों को रीडिंग सुनने से परेशानी होती है कैसी परेशानी कि नहीं हम अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुन सकते हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं तो जो काज में आएगा वही बताऊँगी ठीक है आप प्लीज़ उस वीडियो को ना देखें क्यों क्योंकि देखो फिर ये मेरे काम के साथ जस्टिस नहीं होगा राइट तो दिस इज़ वट आई एम गेटिंग मैं एक स्ट्रांग ईगो देख रही हूँ यहाँ पे पायल नंबर टू पीपल आप लोग इस चीज़ को माने चाहे ना माने देयर इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ ईगो आपको सम्हाव बहुत बार ऐसा होता होगा कि किसी ने अगर पॉइंट कर दिया ना कि ये तूने कैसे किया या तेरे कैसे मजा लो गई ऐसा करने की या किसी ने हल्का सा आपको ऊंची आवाज़ में कुछ बोल दिया आपको चुभ जाती है चुभती है आपको लिटरली आप अफेक्ट आप होते हैं उस चीज़ से आपको बहुत बुरा लगता है आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानवरों की लोगों की कद्र करते हैं लेकिन जब आपके अंतर मन से आवाज आती है ना कि इनके लिए मुझे कुछ करना है तो आप आलस कर जाते हैं या बहुत सारी बातें सोच कर ना शांत हो जाते हैं रॉन्ग दिस इज रॉन्ग यू आर डूइंग आइज आप अपने साथ गलत कर रहे हैं फाइल नंबर टू पीपल सो so, uh, कर्मा का कार्ड आप लोगों ने पिक किया है देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मुझे इस कार्ड को देख के महसूस हो रही हैं जैसे कि uh, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एंशंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा है पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है आप लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवलर हो सकते हैं ठीक है वगैरह वगैरह लेकिन मैं अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज़ ये वीडियो ना फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आज की जो इम्पॉर्टेंट रीडिंग है वो बेस्ड है कि भाई भगवान जी आपके बारे में क्या सोचते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की एक खूबसूरत सी रीडिंग और आज हम बात कर रहे हैं ईश्वरीय शक्तियों के बारे में हे परम जी हे निराकार ईश्वर हे निराकार सुरशक्तिमान परमात्मा वाओ नाइस पाइल नंबर टू के बारे में क्या सोचते हैं आप पाइल नंबर टू के बारे में क्या सोचते हैं आप जिन्होंने कर्मा को पिक किया है प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस हे मेरे प्यारे परम पिताजी हे निराकार ईश्वर हे निराकार सर्वशक्तिमान परमात्मा प्लीज़ प्लीज़ बताने की कोशिश करें विद पॉजिटिव क्लैरिटी ये कार्ड्स मैं नहीं लूंगी ओके हे ईश्वर हे ईश्वर ओके वेरी गुड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पैंटिकल्स एट ऑफ पैनिकल्स एंड कुछ कार्ड्स मैं यहां से भी चेक करूंगी हे डिवाइन एक्सप्रेस हे hey, परमपिता जी हे निराकार ईश्वर हे निराकार भगवान परमात्मा क्या सोचते हैं आप पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे ना ओशो की तरफ से कार्ड ज़्यादा निकाले वैसे मैंने फाइल नंबर वन में नहीं निकाले थे बट आप लोगों के लिए शायद गाइडेड है तो मैंने यहाँ पे निकाले हैं एनीवेज आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं लेट्स सी सो वी हैव अ जजमेंट का कार्ड टेन ऑफ सोट्स का कार्ड वर्ल्ड का कार्ड देन वी हैव द डेविल का कार्ड ओह शबाश नाइन ऑफ वॉन्स टावर ट्राजिक कार्ड्स हैं, बहुत ट्राजिक कार्ड्स हैं। अब ये मत समझिएगा कि भगवान आपके बारे में बुरा समझते हैं नहीं मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके अंदर क्या कमियां हैं जिनको आपको बदलने की जरूरत है देखो ईश्वर तो सबके बारे में एक ही थॉट रखते हैं कि ये अच्छा है ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट वहां पर ये हो जाता है कि आप अपने साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं राइट वी हैव इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटीज का कार्ड एक्सपीरियंस का कार्ड फिर है न्यू विजन द स्क्रीज कॉन्शियसनेस एंड माइंड जस्ट गिव मी अ सेकंड मैं न पिक कर लू थोड़ी ओके okay. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मुझे सबसे सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जजमेंट का कार्ड अगर आप लोगों को दिख रहा है जजमेंट ओवर देयर तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ वो है कि भगवान को ये चीज़ पता है कि आप एक ऐसे इंसान है जो उनके अंदर बहुत बिलीव करते हैं राइट right? बहुत बिलीव है आप लोगों को लेकिन वो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं विद द टेन ऑफ एंड नाइन ऑफ वॉन्स दैट आप अनडिसाइडेड क्यों रहते हैं आप एक कन्फ्यूज पर्सन की तरह क्यों रिएक्ट करते हैं आपके पास बहुत सारा नॉलेज है वी हैव अ कार्ड ऑफ द वर्ल्ड आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है आपके अंदर बहुत सारा विजडम है पाए नंबर टू पीपल आपसे बहुत सारे लोग मुझे तो यहाँ पर हीलर्स uh, भी नज़र आ रहे हैं जो कि या तो हीलर्स हो सकते हैं या फिर प्रैनिक uh, करने वाले हो सकते हैं रेकी वाले हो सकते हैं टारो वाले हो सकते हैं या कुछ अच्छे कोचेज हो सकते हैं ठीक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो सकते हैं कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं तो आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहती हूँ मैं कौन होती हूँ सवाल करने वाली डिवाइन इज आस्किंग यू कि आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं ना जजमेंट रखते हैं या नहीं रखते हैं बताइएगा मुझे आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं ना तो आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली आप बहुत विश्वास करते हैं कि आपको ऐसा लगता है लेकिन आप अनडिसाइडेड रहते हैं नाइन ओ बॉन्स तो आप एक कंफ्यूज पर्सनालिटी की तरह क्यों रहते हैं पहली चीज़ तो वो ये पूछना चाहते हैं आपसे दूसरी चीज ईश्वर परम जी आपके बारे में सोचते हैं द टावर एंड द डेविल कि इस इंसान ये जो इंसान है ना ये कभी भी पलट सकता है पलटना इन सेंस कि ये इंसान कभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बन सकता है आई नीड टू टेक हिम और हर मोर केयर लाइक मुझे थोड़ा सा और केयर uh, करने की ज़रूरत है अभी इसकी क्यों अनडिसाइडेड रहते हो ना फाइल नंबर टू पीपल आप में से बहुत सारे लोगों के मन में द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आ, जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी कमियाँ होती हैं हमारे अंदर मुझे कहने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है जो आ, हम हमें पता होता है हमारा अंतर्मन को पता होता है हमारे दिमाग को भी संभाव पता होता है लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वही उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड आपके अंदर कुछ ऐसी कमियाँ हैं ये कमियां कैसी हो सकती है गुस्से की कमी हो सकती है खुद को इम्पोर्टेंस न देने की कमी हो सकती है किसी को अच्छा या बुरा तुरंत से जज करने की कमी हो सकती है कोई कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है कि कमी हो सकती है किसने आपके साथ कैसा किया कैसा नहीं किया कि कमी हो सकती है एक बुराई करने वाली कमी हो सकती है किसी से कंपेरिजन करने की कमी हो सकती है तो देर आर लॉट्स ऑफ कमी मैं सच बताऊँ बहुत सारी कमियाँ होती हैं तो क्या आपके अंदर वो सारी कमियां हैं उनमें से कुछ ऐसी कमी कुछ पर्टिकुलर ऐसी कमी हो सकती है पायल नंबर टू पीपल जो आपको और लोगों से ज़्यादा नेगेटिव बना सकती है भगवान जी को ये चीज़ लग लगती है यहाँ पे आपके लिए कि संभाव अगर इसको एक सही समय पर सही वे में गाइड करके संभाला नहीं गया ना तो भाई साहब ये डेबल एनर्जीज में जा सकते हैं ये एक रियालिटी है ओके okay? तो सबसे पहली चीज़ भगवान जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप जब इतना उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो तो वाई यू आर सो अनडिसाइडेड यू आर अ सच अ कन्फ्यूज पर्सन उनकी नज़र के अंदर ऐसा क्यों और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियाँ हैं कुछ ऐसी खामियाँ हैं जिनको अगर सही नहीं किया गया तो आप डेविल बन जाएंगे ठीक है मतलब इंसान के रूप में एक डेविल तो ये चीज़ गलत है तीसरी चीज़ भगवान जी को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली हिट करती है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे टावर मोमेंट्स है ना जिनको सफ़र करना आपके लिए आपको कुछ नेगेटिव बना दे कुछ नेगेटिव ना हो जाए आपके साथ नेगेटिव ना हो जाओ आप बहुत ज़्यादा ठीक है उन्हें इस चीज़ का डर लगता है तो आपको लेकर के समहाओ जो परम पिताजी हैं वो चिंतित भी रहते हैं अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे वो भगवान है क्या जो चिंता में रहे क्यों पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती अपने बच्चों की मुझे बताइए और मैं तैयार हूँ हर तरीके के कमेंट को, को रिप्लाई करने के लिए आपको जो मन आए आप भर भर के कह सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आई डोंट हैव इशू बट मैं ये चीज़ मेरे अभी अंतर मन से आई कि मैं आप लोगों को बताऊं दैट मींस दिस इज दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली गाइडेड तो आ, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि अरे वो भगवान ही क्या जो खुद चिंता करें मुझे एक बात बताइए क्यों वो पिता नहीं है और एक पिता को अपने बच्चे की क्या टेंशन नहीं होती है कि अरे यार इसको इतना समझा रहा हूँ मैं इतना बता रहा हूँ ये फिर भी गाड़ी तेज़ चलाता है ठीक है इसको इतना समझा रहा हूँ इसको इतना बता रहा हूँ फिर भी ये रोती रहती है ठीक है या ऐसी बहुत सारी कमियां जो मैंने आपको गिनाई थी ना ऐसे ऐसे करके तो वो सारी कमियां हैं यार ये इसको कैसे चेंज करूं ये यार सुन नहीं रहा है मेरी कहीं ऐसा ना हो कि अब क्योंकि इसके पास्ट लाइफ के करमाज ऐसे हैं कि इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे टावर मोमेंट आएंगे टावर मोमेंट एक ऐसे मोमेंट्स होते हैं नंबर टू पीपल जो हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तो लाते हैं जो लाते हैं लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी भी लेकर आते हैं ठीक है तो इसके तो है भाई लाइफ में टावर मोमेंट क्यों क्योंकि इसने पास्ट में ऐसी चीज़ें करी हैं तो अब भाई अगर पास्ट में इसने इतना सब कुछ करा है तो यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक तो विश्वास नहीं कर रहा है मेरे ऊपर अनडिसाइडेड रहता है इतना समझदार है फिर भी परेशान रहती है स्टिल अगर ये टावर मूवमेंट आए तो ये तो पलट जाएगी भाई ये तो पलट जाएगा मैं क्या करूं इस चीज का तो भगवान जी आपको लेकर के समहाव टेंस हैं और आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस भी रहते हैं नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन टू पॉसिबिलिटीज थर्ड एक्सपीरियंस चौथा विजन फिर स्क्रीजोफेनिया कॉन्शियसनेस और द माइंड का कार्ड है अब भगवान जी क्या सोचते हैं ही इज़ एक्चुअली यू नो मेकिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या मैं ऐसा कहूं कि वो आपको बार 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 हिट बैक करने की कोशिश करते हैं कि सुनो 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 ये करना है आपको इस चीज़ को करना है पर्टिकुलरली ये आपको करना है लेकिन आप क्या करते हो क्या नहीं भाई मुझे तो नहीं समझ आ रहा क्या नहीं भाई मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा तो सच बताओ ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला आप ये जो है ना स्क्रीज की एनर्जी इसमें अटके रह जाओगे याद रखना पाइल नंबर टू पीपल तो आपको वो करना पड़ेगा सो so, भगवान जी आपके लिए क्या सोचते हैं वो मैंने बताया भगवान जी अब आपके लिए क्या प्लानिंग करना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ या कुछ ऐसे अच्छे ऑप्शन ला खड़े कर देंगे जिनमें से सही जो है उसको आपको पिक करना है अब ये आपके चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है इंटीग्रेशन का कार्ड है ये आपके चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोल उस सही ऑप्शन को सही पॉसिबिलिटी को पिक करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है ना तो यकीन मानिए सोल का जो इंटीग्रेशन है सोल जो इवॉल्व होती है ना जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है या मैं कहूँ कि भगवान जिसे जो एक अटैचमेंट बनता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो आगे आने वाले मैं कुछ टाइम निकालती हूँ मी अ मोमेंट आगे आने वाले ये कुछ दिन है या महीने हैं जो आपके लिए क्रूशियल है ठीक है जस्ट वी ए मिनट मून का कार्ड अगेन देखो एक कार्ड और निकालोगे आगे आने वाले छः दिन या छः महीने याद रखिएगा आप छः महीने ले लीजिए छः दिन छोड़ दीजिए तो आगे आने वाले जो छः महीने है ना आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके बाद के ठीक छः महीने आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है इस समय भगवान जी आपकी ज़िंदगी को सही करने के लिए या आपको हंड्रेड अच्छे पाथ पर रखने के लिए कुछ पॉसिबल डिसीजनस लेंगे कुछ ऑप्शनस इकट्ठा कर देंगे ये 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 बताओ इसमें से क्या पिक कर रहे हो ठीक है क्योंकि कर्मा में कोई भी हस्त हस्तक्षेप नहीं कर सकता आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो पूछे कि आ, भगवान जी हैं वो तो आ, हमें सही दे देना फिर नहीं ऐसा नहीं होता बाबा आप लोगों ने कर्म भी तो ऐसे नहीं कर रखे है ना तो वो इतना रहमोकर्म कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है आप लोगों को एक सच बात बताऊँ मेरा मन करुणा से भर जाता है इस चीज़ को सोच करके अभी भी पता नहीं क्यों मेरे आ, मैं इमोशनल फील कर रही हूँ मेरे आँख में आंसू से हैं अचानक से कि आप लोगों को पता है एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि हम ना हमेशा भगवान जी को कोस रहे होते हैं ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया एक्चुअली में पता है क्या होता है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन ये हम हम ही ऐसे बदतमीज़ इंसान हैं कि हमारे इतने घटिया कर्म होते हैं कि फिर भी वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं और हम फिर भी इतने बेकार होते हैं कि हम उन्हें ही बार बार बोल रहे होते हैं कि यार आप तो भगवान हो ना आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सो दिस इज़ वट आई एम गेटिंग और ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे वीडियो में रोना नहीं है एंड uh, एक चीज़ जो मैं पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले छः महीने क्रूशियल होने के साथ साथ न्यू विज़न क्रिएट करेंगे या तो ये न्यू विज़न होगा एक्सपीरियंस और सोल इंटीग्रेशन का या ये जो न्यू विजन होगा ये स्क्रीजोफेनिया का होगा याद रखिएगा सो so, ये वीडियो डरा नहीं रहा है आपको लेकिन ये वीडियो के माध्यम से अगर मैं सच बताऊँ इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोग नहीं समझते हो ना और फिर भी आप अगर खुद को कोसते रहते हो दूसरे से कंपेयर करते रहते हो और ओवर थिंकिंग करते रहते हो स्टेप्स नहीं लेते हो भगवान में विश्वास नहीं करते हो कुछ नहीं हो सकता फिर क्रीजोफेनिया इज द ओनली थिंग यू गाइज विल गेट एडवाइजेज uh, क्या है यहाँ पर बहुत हार्श वर्ड्स uh, का इस्तेमाल मैंने किया है इस वीडियो में उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ लेकिन जो है वो यही है और मुझे उसी वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना था तो आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है द मदर गाया कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज यानी कि मैंने ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पर बताए थे कि आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें प्लांटिंग करें मिट्टी के साथ रहा करें या पार्क में नंगे पैर घूमें ठीक है ताकि आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहें और वो आपको सही सोचने समझने की हिम्मत दें ओके बिकॉज़ फॉर एग्जाम्पल परमपिता जी ने ऑप्शन असाइन कर दी कि ये ये ऑप्शन दे दो अब जो आपके खुद के बेचारे जो डिवाइन एक स्पिरिट गाइड्स हैं एंजल्स हैं वो आपके आस पास रह करके उस चीज़ को और सही करने की कोशिश करते हैं एंड देन नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ब्लू स्टार अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन करके आगे बढ़ो और जो सच्चाई है उसके साथ रहो अपनी सोल को इवॉल्व करो एंड ब्लू फ्लेम तो ब्लू ब्लू बहुत हो रहा है यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को ब्लू कलर पसंद है कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज द लाइट ऑफ प्योर विद इन यू अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो अगेन एंड अगेन सेम गाइडेंस हाँ तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग और आ, दिस वॉज समथिंग इंटेंस ये वीडियो काफ़ी इंटेंस रही है पाइल नंबर वन भी और टू भी सो so, अगर आप लोगों ने कर्मा को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आ, कुछ क्वेश्चनस पूछे हैं मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों से उन क्वेश्चन का जवाब मुझे देना ना भूलें मैंने कमेंट पिन कर दिया है वहां से जाके आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा और आंखें खोल लो ये आंख खोलो वीडियो है अपना ख्याल रखिएगा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें एंड जिस दिन मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ उस तारीख वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं बट जिस दिन मैं इसे अपलोड कर रही करी उस दिन मैं लाइव आ रही हूँ इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग सेशन करने के लिए प्लस आप लोगों को टैरो का जो मैंने कोर्स अभी आ, स्टार्ट किया है उसके लिए जानकारी देने के लिए तो अपना अपना ख्याल रखें खुद से प्यार करें जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में